मेरे को हॉस्टल जाते ही ना घर की इतनी ज़्यादा याद आनी स्टार्ट हुई। मैं घर पे जब था ना तो मेरे को ये लगता था यार कि कॉलेज जाएंगे तो पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, बाहर घूमेंगे, मोमो खाएंगे, एकदम फास्ट फूड खाएंगे, दिन भर एकदम ठूस लेंगे। और आयरनिकली आप देखो, कॉलेज आने के बाद आप सबसे ज़्यादा मिस करते हो कि मम्मी के हाथ की दाल मिल जाए किसी तरह से, जबकि आपको इतना ज़्यादा मन था बाहर के खाने का। और जब ये बाहर का खाना मिल रहा है तो आपको लग रहा है यार वो माँ के हाथ का खाना क्यों नहीं मिल रहा है। एक्चुअली ना हमारे माता पिता भी हमें अपने से दूर भेजना चाहते नहीं है, असल में उनकी भी मजबूरी है, उन्हें हमारा फ्यूचर बनाना है इसलिए भेजना पड़ जाता है। मेरी मम्मी हमसे बोली थी कि अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने टुकड़े टुकड़े करके अपने से दूर कर दिया, और फ़ोन पर रोते हुए। मम्मी तो स्टार्टिंग के एक हफ्ते जब फ़ोन करती थी रोज़ रोती थी, रोज़ वो फ़ोन करें शुरू में हेलो अलग और वो रोना स्टार्ट कर दे। पापा नहीं रोते थे, या शायद पापा का रोना दिख नहीं पाता है, ये भी हो सकता है। कहा जाता है ना कि बाप बिना आवाज के बिना आंसू के रोता है, उसका आंसू दिख ही नहीं पाता किसी को। खैर एनीवेज, ये तो जिंदगी का सत्य था, हमने एक्सेप्ट किया, हमने कहा अभी असलियत की जिंदगी अब शुरू हुई है अलग पांडे। फिर कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई यार, फिर हम अंदर गए हॉस्टल में। अब हॉस्टल में नई जिंदगी दिख रही है मुझको, अलग माहौल दिख रहा है। अच्छा हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं यहाँ, हाउ मेनी हॉस्टलर्स? हॉस्टल का ना एक क्लियर नियम कानून है कि लाइट गई तो चिल्लाओ। क्यों? प्रोटोकॉल है, चिल्लाना है। क्या चिल्लाना है? कुछ भी, पर चिल्लाना है। लाइट गई तो मैंने कहा क्या है, क्यों ये कल्चर क्यों बना है, कौन बना के गया है? कोई रूल तोड़ भी नहीं रहा है। फिर कभी कभी नारे लग रहे हैं, वार्डन सर की तारीफें हो रही हैं उसमें लाइट जाने के बाद। कभी गर्ल्स हॉस्टल की तरफ नारे लग रहे हैं, चिल्लाया जा रहा है नाम, और लाइट आते ही शांत, पता लगा लो किसने चिल्लाया है, आओ ढूंढ लो। ये बड़ा अनसेट रूल है, अनसेट प्रोटोकॉल है कि भाई लाइट गई तो चिल्लाना है।